स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग नोट्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में नोट्स बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहला होता है ऑर्गेनाइज बाई सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। आप अपना सब्जेक्ट्स नोट्स वाइज डिवाइड कर लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन से नोटबुक में लिखना है, विथ विच टॉपिक्स एंड विच इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, विच टॉपिक्स यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी, ऐसे करके आप एक प्रॉपर एक बना लें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, सो दैट बाद में आपको कंसेप्ट क्लियर रहें और आप रिवाइज कर पाएँ। नंबर टू आता है यूज़ अ नोटबुक और डिजिटल टूल। चूज अ मेथड दैट सूट्स यू बेस्ट, ट्रेडिशनल पेन या फिर डिजिटल टूल। आप कभी कभार ऑनलाइन पे, आजकल इतने सारे सिस्टम आ चुके हैं कि आप लोग ऑनलाइन पे भी बैठ के नोट्स लिख सकते हैं, या तो आप कॉपी पेन पे लिख लीजिए, या तो फिर आप लोग ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस पर आप लोग नोट आउट नोट डाउन कर लीजिए। कोई कोई कैंडिडेट क्या होता है, वो लोग को ईजी रहता है तो इसीलिए वो लोग डिजिटल टूल यूज़ करते हैं, बट कोई कोई प्रेफर करते हैं कि वो अपने हैंड राइटिंग में लिखे, सो दैट वो बाद में जाके आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो, बाद में जाके आप लोग जब मर्जी तब पढ़ सकें। नंबर थ्री आता है समराइज एंड यूज़ बुलेट पॉइंट्स। स्टडी करने के लिए और फोकस करने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो वो ज़्यादा आपका नोटिस में जाता है और इजी रहता है रिवाइज करने में, तो इसीलिए बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपना आंसर्स में। नंबर फोर, यूज़ हाईलाइटर्स एंड कलर कोड्स। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की टर्म्स विद डिफरेंट कलर्स। ऐसे क्या होता है, अगर आप डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट की टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपना हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से, तो वो ज़्यादा आपके आई विजन में जाएगा और आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके अपना इंफॉर्मेशंस को निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। नंबर फाइव आता है क्रिएट माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आर एक्सीलेंट टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन विजुअली। ये आपका डिफरेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स को इंटरकनेक्शन करता है इसीलिए, और अंडरस्टैंड करने में भी इजी होता है, इसीलिए माइंड मैप ज़्यादा इजी होता है बनाने में। नंबर छः होता है इंक्लूड डायग्राम्स एंड चार्ट्स। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, नोट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करने से अंडरस्टैंड अच्छे से होता है, मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाती है, उसकी वजह से मेमोरी में आपको याद रह जाता है कि हाँ ये डायग्राम्स इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का था, तो वो ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। अब आते हैं हम रेगुलरली अपडेट योर नोट्स पे। प्रिपरेशंस के पहले आपको हर दिन अपडेट करना पड़ेगा, अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है या आपका रिवीजन कोई चैप्टर न्यू हो रहा है तो उस नोटबुक में आराम से उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए भी इजी होगा, बाद में जाके एग्जाम के टाइम पे आपको खोजना नहीं पड़ेगा। एट होगा ऐड एग्जाम्पल्स। अपने हर क्वेश्चंस के आगे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लगाने से क्या होता है, जो सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा होता है उनके लिए भी इजी होता है वो चीज़ समझना, कि हाँ आपने अच्छे तरीके से समझ के एक एग्जाम्पल वे में उनको समझाया है। अगर आपका थ्योरी उनको पसंद नहीं आया तो एग्जाम्पल से अगर वो समझ लिए तो आपको मार्किंग मिल सकता है। अब आते हैं नौ नंबर पे, जो कि है मेक यूज़ ऑफ स्टिकी नोट और बुक मार्क्स। जहाँ पे आपको लगता है कि ये जगह इंपॉर्टेंट है या इस जगह से रिलेटेड मुझे कोई आंसर कुछ बताया गया है, उस जगह पे स्टिकी नोट्स लगा लीजिए या बुक मार्क लगा के लिख दीजिए इंपॉर्टेंट कुछ, तो वो आपके लिए इजी होगा कि वह आप वहाँ पे फटाक से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हो या कुछ भी आप पढ़ सकें और पढ़ के जा सकें। नंबर टेन होगा मेंटेन अ रिवीजन शेड्यूल। हमेशा एक रिवीजन करने का एक शेड्यूल बना लीजिए कि कौन से दिन कौन सा रिवाइज करना है, और हर दिन रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन रिवाइज कर एक दिन नहीं। आते हैं हम प्लूटस आईएएस पे, जो कि नंबर वन रैंकिंग में आता है। यहाँ पे यूपीएससी की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस की जाती है विद एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स, जो कि आपको हमेशा हेल्प करेंगे आपकी यूपीएससी क्लियर करने में। अब आएंगे हम द हिंदू जोन डॉट कॉम पे, ये नंबर टू रैंकिंग पे आता है। यहाँ की कैरियर कोचिंग और कोर्सेज जो गाइडेंस मिलती है वो प्रॉपर है, मेंटर्नशिप बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सपोर्ट है टीचर का स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी यूपीएससी क्रैक कर सकें। आते हैं हम योजना आईएएस पे, जो कि नंबर थ्री रैंकिंग पे आता है। यहाँ पे भी यूपीएससी की कोचिंग प्रॉपर दी जाती है, प्रॉपर रिसोर्सेज, बुक्स, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बच्चे अपना यूपीएससी सक्सेसफुली क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच। आज जो भी टिप्स दी गई हैं वो आपके लिए आई होप हेल्पफुल रहेंगी।